फ्लोरोसेंट प्रकाश दोष निवारण चार्ट्स। ट्यूब स्टार्ट नहीं होता है तो उसका संभावित कारण क्या होता है? बल्ब फूक गया यानी जल गया, स्टार्टर खराब हो गया है, लैंप होल्डर टूटा हुआ है, ब्लास्ट के लिए गलत बल्ब है, पिक्चर्स की वायरिंग गलत है, मतलब फिगर की वायरिंग गलत है, लाइट वोल्टेज बहुत कम है और वायु तापमान बहुत कम है, ब्लास्ट के दोष है। तो इन ये सभी संभावित कारण हैं। जैसे कि बल्ब फूका हुआ है तो ट्यूब स्टार्ट नहीं होता है, उस समय क्या करना चाहिए? बल्ब को बदल दें। जब स्टार्टर ख़राब हो और ट्यूब स्टार्ट नहीं होता है तो उस समय स्टार्टर को बदल देंगे। और लैंप होल्डर टूटा हुआ है फिर भी ट्यूब स्टार्ट नहीं होता है तो लैंप होल्डर को बदल देंगे। अगर ब्लास्ट के लिए गलत बल्ब है और ट्यूब स्टार्ट नहीं होता है तो उचित बल्ब के लिए ब्लास्ट के लेवल को चेक करें। पिक्चर्स की वायरिंग गलत है फिर भी ट्यूब स्टार्ट नहीं होगा, उस समय ब्लास्ट पर अंकित वायरिंग आरेख के अनुसार चेक करेंगे। उसके बाद है लाइन वोल्टेज बहुत कम है तो ट्यूब स्टार्ट नहीं होगा, तो उस समय बिजली बोर्ड के संपर्क करें। उसके बाद क्या है कि वायु तापमान बहुत कम है तो ट्यूब स्टार्ट नहीं होगा, तो विशेष निम्न ताप ब्लास्ट का प्रयोग करेंगे। जब ब्लास्ट में दोष है और ट्यूब स्टार्ट नहीं होगा तो ब्लास्ट को बदल देंगे। अब है कि दोषित स्टार्टर, अगर स्टार्टर में कोई फॉल्ट है, स्टार्टर में कोई फॉल्ट है तो बल्ब के सिरे चमकते हैं परंतु मध्य भाग नहीं, तो उससे बचाने के लिए स्टार्टर को बदल देंगे। उसके बाद है पिक्चर की वायरिंग सही नहीं है तो बल्ब के सिरे चमकेंगे और परंतु मध्य भाग नहीं, तो उस समय ब्लास्ट पर अंकित वायरिंग आरेख के अनुसार पुनः वायरिंग करेंगे। फिर बोलता है कि आप पिक्चर्स उचित प्रकार से अर्थ नहीं है तो बल्ब के सिरे चमकते हैं परंतु मध्य भाग नहीं, तो पिक्चर्स के अर्थ के संयोजन को चेक करें। फिर है तीसरा कि बल्ब लगभग फूक चुका है तो बल्ब के सिरे काले हो जाएंगे। अगर बल्ब लगभग फूक चुका है, जल चुका है, तो उसके बल्ब के सिरे काले हो जाएंगे और बल्ब को बदलना ही पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि ट्यूब की पीने का संपर्क यानी ट्यूब में जो पिन होता है उसका संपर्क अगर कमज़ोर है तो बल्ब झिलमिलाता है, झिलमिलाएगा। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि प्रोनगेंस साफ़ करेंगे और लैंप होल्डर को ट्यूब को कस देंगे। बल्ब लगभग फूका हुआ है, जला हुआ है तो भी बल्ब झिलमिलाता है तो उस समय बल्ब को निकाल देंगे। दूषित या गलत स्टार्टर है फिर भी बल्ब झिलमिलाएगा तो स्टार्टर को ही बदल देंगे। फिर कहता है वायु तापमान बहुत कम है तो भी बल्ब झिलमिलाएगा तो उस समय क्या करना चाहिए? स्टार्टर को बदल देंगे। वायु तापमान बहुत कम है फिर भी बल्ब झिलमिलाता है तो कमरे को गर्म करें, यदि आवश्यक हो तो विशेष प्रकार के यूज करेंगे, कम तापमान वाला ब्लास्ट प्रयोग करेंगे। अब आता है फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प यानी कि इंस्टेंट स्टार फ्लोरोसेंट लैम्प। तो फ्लोरोसेंट लैम्प के तक्षण स्टार्ट यानी शीघ्र स्टार्ट या शीघ्र स्टार्ट करने की विधि में एक ऑटो ट्रांसफार्मर ट्यूब के पार्ट्स में जुड़ा होता है। जब इलेक्ट्रोड गर्म हो जाता है तो प्रायः 1 सेकेंड के कुछ भागों में तो ट्यूब को एक कार्य करने लगती है, 1 सेकेंड के कुछ भाग से ही ट्यूब कार्य करने लगता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जो प्रतिघाती लैंप तक्षण स्टार्ट करने के लिए, शीघ्र स्टार्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनके प्रत्येक सिरों पर केवल एक टर्मिनल होता है और इसका कैथोड फिलामेंट प्रकार को होता है और तप्त कैथोड जिसको हॉट कैथोड के रूप में कार्य करता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित धारा छोटी तार फिलामेंट के खंड को सेकेंड के एक भाग में लाल गर्म कर देती है, इसीलिए इसे अलग से स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती है।
स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप में उपयोग होने वाले एक टर्मिनल पिन और फिलामेंट प्रकार के कैथोड की संरचना दिखाया गया है। इस प्रकार की रचना में इलेक्ट्रोड हानियाँ कम होती है। शीघ्र स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब की रचना का अन्य विवरण पूर्व तप्त फ्लोरोसेंट ट्यूब जैसा ही होता है। केवल अंतर यह होता है कि शीघ्र स्टार ट्यूब का व्यास पूर्ण तप्त यानी हॉट फ्लोरोसेंट ट्यूब से थोड़ा कम होता है। पिक्चर 2 में तात्क्षणिक स्टार्ट यानी शीघ्र स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप में उपयोग होने वाले संयोजन की आरेख दिखाए गए हैं। ये लैंप है, यह ब्लास्ट है, 220 वोल्ट एसी सप्लाई दिया गया है। पर्पस ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ब्लास्ट नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिजाइन किए गए परिपथ के साथ उपयोग होने वाली ब्लास्ट लैंप को पूर्व तप्त किए बिना, मतलब पूर्व तप्त किए बिना उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज उसी क्षण देकर परिपथ को ऊर्जित रखती है। लैंप को पूर्ण तप्त किए बिना उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज उसी क्षण देकर परिपथ को ऊर्जित रखती है। लैंप की परिचालन के बाद सामान्य परिचालित वोल्टेज देती है। पहले दो फ्लेम लाइन लैंप समानांतर परिपथ में अग्रामी पश्चगामी लीड लैग बंधों में जोड़ दे जाते थे। आधुनिक परिपथ में दो लैंप श्रेणी में होते हैं और ब्लास्ट को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यह लैंपों को बहुत शीघ्रता से स्टार्ट कर सके। इसके लिए छोटी ब्लास्ट की आवश्यकता होती है और इससे लागत कम हुई और शोर का स्तर भी कम हुआ। ये पिक्चर दिया गया है फ्लोरोसेंट फिक्स ट्यूब्स फॉर स्लाइन स्लिम स्लाइन फ्लोरोसेंट पिक्चर शॉर्ट सर्किट फिलामेंट्स का पिक्चर दिया गया। लैंप ए और लैंप बी, ये लाइन न्यूट्रल एंड लाइन स्विच और ब्लास्ट है। इसके सेंट्रल में कैपेसिटर लगा होता है। कनेक्शन फॉर ए हॉट कैथोड इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट पिक्चर्स। अब बात आती है तात्क्षणिक परिपथ के उपयोग में निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है कि दोनों लैंप यूनिट का परिणामी शक्ति गुणक 95% या इससे अधिक होता है। दो लैंपों के परिपथ की धाराओं में फेज विस्थापन से टर्बोस्कोपिक प्रभाव कम होता है, मतलब कि दो लैंपों के परिपथ की धाराओं में फेज विस्थापन से टर्बोस्कोपिक प्रभाव कम होता है। दो लैंप के परिपथ की धाराओं में फेज विस्थापन से टर्बोस्कोपिक प्रभाव कम होता है। अब बात आती है रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप, त्वरित स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब आधुनिक प्रतिष्ठानों में त्वरित स्टार्ट लैंप व्यापक रूप में उपयोग होते हैं। परिपथ को ऊर्जित इनर्जाइज करने के बाद कैथोड लगातार गर्म किए जाते हैं और लैंप शीघ्रता से प्रदीप्त हो जाते हैं। पिक्चर 1 में त्वरित स्टार्ट परिपथ को दिखाया गया है। कैथोड को लगातार गर्म रखने के लिए ब्लास्ट में पृथक कुंडलन और इसलिए जब लाइटिंग स्विच को ऑन किया जाता है और लैंप बहुत शीघ्रता से प्रकाशित होता है और कोई झिलमिलाहट नहीं होती है। इस लैंप के लिए एक विशेष प्रकार की ब्लास्ट और धातु के स्टार्टिंग सहायक युक्ति की आवश्यकता होती है जो कि शून्य विभव पर अर्थ होती है। धातु स्टार्टिंग एक लोकप्रिय व्यवस्था है जिसमें 1 और 2 mm मोटी धातु की पत्ती ट्यूब की टोपियों के बीच व्यवस्थित की जाती है जो कि अर्थ कर दी जाती है। ये आपका ब्लास्ट है, ये ब्लैक वाइट 220 वोल्टेज एसी, रेड रेड येलो येलो, इस तरह से ये कनेक्शन होता है। और पिक्चर्स में जो दिया गया है इस तरह से रेड रेड येलो येलो
और ये लैम्प्स है, रेड रेड एक तरफ और येलो येलो एक तरफ, इस तरह से दिए गए हैं पिक्चर्स में। ये रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैम्प सर्किट्स है। जब एक त्वरित स्टार्ट पिक्चर्स को संयोजित किया जाता है तो उचित ध्रुवता को होना महत्वपूर्ण होता है। सप्लाई से आई अशुभ संपर्कित यानी कि गर्म या फेज जिसको बोलते हैं, से ब्लास्ट का काला तार जोड़ना चाहिए। चूंकि कैथोड पहले ही गर्म होता है, इसलिए लैम्प को प्रदीप्त होने के लिए वोल्टेज की जो मात्रा चाहिए वह तात्क्षणिक स्टार्ट लैम्प को स्टार्ट करने की वोल्टेज से कम होता है। परिणाम स्वरूप त्वरित प्रारंभ प्रणाली बहुत दक्ष होती है, क्योंकि विशेषकर ब्लास्ट में बहुत कम हानियाँ होती हैं। पिक्चर 2 में त्वरित लैंपों के संयोजन दिखाए गए हैं। यह सामान्य उपयोग होने वाला श्रेणी परिपथ है। एक बार जब लैंप ऑन होता है तो इसके पार्श्व में वोल्टेज बहुत कम मान तक गिर जाती है और ब्लास्ट वोल्टेज के लगभग ये पिक्चर दिया गया है। पहले ही पिक्चर देख लेते हैं। ये ब्लास्ट है और ये इसका पिक्चर है। एक सेकेंड, ये ब्लास्ट है, ब्लू ब्लू, ये न्यूट्रल फेज न्यूट्रल, और इससे आपको ब्लास्ट में मिलता है। ये ब्लास्ट में कैपेसिटर इस तरह से लगा होता है, ब्लू ब्लू, येल्लो 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 येल्लो, और ये रेड रेड है। ये लैंप 1, लैंप 2। बराबर सारी वोल्टेज लैंप 2 के पार्श्व में आरोपित हो जाती है, जो लैंप को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक स्टार्टिंग वोल्टेज होती है। इस कारण से ब्लास्ट का साइज छोटा किया जा सकता है। अब एडवांटेज है, मतलब त्वरित प्रारंभ लैंप मंद रोशनी यानी कि डिमिंग और चमक फ्लैशिंग वाले परिपथ में प्रयोग हो सकते हैं। कुछ इस विशेष प्रकार के त्वरित प्रारंभ लैंप पूर्ण तप्त प्रणाली में अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। एक त्वरित प्रारंभ लैंप किसी भी मौसम में कार्य कर सकता है। इसका जीवन काल तात्क्षणिक प्रारंभ लैंप की अपेक्षा लंबा होता है, फिर भी स्टार्टिंग समय बहुत कम लेता है। त्वरित प्रारंभ प्रणाली में तात्क्षणिक प्रारंभ प्रणाली की तरह पृथक रूप से स्टार्टर व स्टार्टर होल्डर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि पूर्ण तप्त प्रणाली में आवश्यकता होती है। अब बात आती है नेसेसिटी ऑफ ट्यून ट्यूब कनेक्शन। यदि उपयुक्त वार्ड क्षमता की चौक ब्लास्ट उपलब्ध न हो, तब चौक की वार्ड क्षमता से आधी वाटेज क्षमता वाली 2 ट्यूब श्रेणी में जोड़कर बड़ी चौक के साथ संयोजित कर सकते हैं, जिससे 2 ट्यूब सही प्रकार से अपना कार्य प्रदर्शित कर सकें। अब उदाहरण के लिए, यदि एक 40 वाट चौक और 2 20 वाट की ट्यूब उपलब्ध हो, तब ट्यूबों का यह जोड़ा श्रेणी में जोड़ा जा सकता है जो पिक्चर 1 में दिखाया गया है। उद्दीप्त लैंप जो ऊष्मा उत्पन्न करके प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप उनसे भिन्न वोल्टता तरंग में शून्य मान पर प्रत्येक सेकेंड में 100 बार अपने आप को बुझाता है। इस प्रकार के प्रकाश में चलती हुई वस्तुओं को देखना कठिनाई पैदा करता है। इस प्रकार की असहज स्थिति डिस्कम्फोर्ट से बचने के लिए ट्यूब के जोड़ों को लैग लीड समानांतर परिपथ में संयोजित करें। अब स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। यह एक एसी साइकिल में प्रति साइकिल 2 बार ऑफ हो जाना चाहिए। एक एसी साइकिल में प्रति साइकिल 2 बार ऑफ हो जाना चाहिए, या प्रति सेकेंड के 100वें भाग में, जिसको बोलते हैं मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ सप्लाई लेने पर ऑफ हो जाना चाहिए। टंगस्टन लैंप में
फिलामेंट के गर्म होने के फलस्वरूप यह शून्य काल पार हो जाता है, जिसके कारण लैम्प को बुझना व झिलमिलाना से रोक लगती है, जिसे रोका जाता है। ये आपका पिक्चर्स है, ट्विन ट्यूबलाइट सीरीज, टैंडेम बोलते हैं कनेक्शन, ये 20 वाट 20 वाट, ये इसका पैरेलल में इस तरह से जोड़ दिया, लाइन 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 सीरीज कर दिया, इधर से न्यूट्रल न्यूट्रल सीरीज कर दिया, इस दोनों से स्टार्टर में दे दिया। विसर्जित लाइटें उष्मन फिलामेंट के सिद्धांत पर परिचालित नहीं होती है और इनमें झिलमिलाहट भी समान परिस्थितियों में नहीं होती है, लेकिन जहाँ चल मशीन होती है वहाँ पर इस प्रकार का खतरा का संकेत मिलता है, जिसे स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार के कारण मशीन के पहिए में लगी स्पोक्स जब मशीन घूमती है कि चाल प्रदाय की चाल अर्थात आवृत्ति के समान हो तो स्थिर दिखाई देती है। अब बात आती है, यदि प्रदाय साइकिल में दो शून्य बिंदुओं के बीच का समय पहिए द्वारा एक चक्कर घूमने के लिए गए समय के बिल्कुल समान हो तो पहिया स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि समय के समान अंतराल में समान ताड़ी स्पोक प्रकाशित होगी। यदि समय का अंतर थोड़ा सा कम है तो पहिया उल्टा घुमाई घूमता दिखाई देगा। यदि समय का अंतराल अधिक है तो पहिया फॉरवर्ड दिशा में धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देगा। स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ, मेथड एडॉप्टेड टू प्रिवेंट स्टर्बोस्कोपिक इफेक्ट। फ्लोरोसेंट लैंप में उपयोग होने वाले फ्लोरोसेंट पाउडर इस प्रकार के उपयोग किए जाएं जिनमें चमक कुछ विलंब से हो, जिसमें चमक क्या होगा कुछ विलंब से हो, तो स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव में कम किया जा सकता है। इस प्रभाव को और अच्छी प्रकार से दूर करने के लिए प्रकाश व्यवस्था को 3 फेज में किया जाना चाहिए और पास पास वाले लैंप अलग अलग फेजों में से जुड़े होने चाहिए। जहाँ केवल एक फेज प्रदान की जाती है यानी उपलब्ध हो, वहाँ पर लैंप को जोड़े में प्रचालित करना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्यून ट्यूब कनेक्शन, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। दो ट्यूब लाइट के श्रेणी संयोजन ट्यून ट्यूब लाइट सीरीज कनेक्शन, दो ट्यूब लाइट के समानांतर संयोजन ट्यून ट्यूब लाइट पैरेलल कनेक्शन। अब ट्यून ट्यूब लाइट सीरीज में क्या होता है, कनेक्शन में प्रत्येक फ्लोरोसेंट लैंप के लिए उचित प्रकार की चौक उपयोग करनी चाहिए, उदाहरण के लिए 40 वाट के चौक के साथ 40 वाट का लैंप उपयोग करना चाहिए, 60 वाट के चौक के साथ 60 वाट का लैंप, इसी प्रकार से आगे करें। यह संभव है कि एक 40 वाट के चौक के साथ दो 20 वाट के लैंप जोड़े जा सकते हैं और दो 40 वाट के लैंप एक 80 वाट के चौक के साथ जोड़े जा सकते हैं। प्रत्येक लैंप का अपना एक अलग स्टार्टर होना चाहिए, जो फ्लोरोसेंट लैंप इस प्रकार से जोड़े जाते हैं, टैंडम में जुड़े होते हैं, टैंडम। अब बात आती है ट्विन ट्यूब लाइट पैरेलल कनेक्शन। अन्य प्रकार के एसी प्रचालित विसर्जन लैंपों में धारा की चक्रीय प्रवृत्ति के कारण स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव उत्पन्न होता है और यह सबसे अधिक चल मशीनों में व वस्तुओं में अधिक मुखर होता है। दो लैंप पिक्चरों की वायरिंग में, एक में प्रेरणिक धारा और दूसरे में संधारित्र का उपयोग करके अग्रामी धारा उत्पन्न करके स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव को दूर किया जा सकता है।
इसके लिए संधारित्र की धारिता 3.8 माइक्रोफैरेट 380 वोल्ट निर्धारित की गई है। अब बात आती है चौक, ये चौक क्या है? एसी सप्लाई। चौक जो है ये चौक आपको 3.8 माइक्रोफैरेट कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। लैगिंग पावर फैक्टर, ये स्टार्टर है, ये लीडिंग पावर फैक्टर है। अब बात आती है ट्विन लाइन पैरेलल कनेक्शन की। तो सामान्य संधारित्र यानी समान पावर फैक्टर संधारित्र को जोड़ सकते हैं, परंतु दूसरे संधारित्र जो एक लैंप व चौक कुंडल की श्रेणी में जोड़ा जाता है यह भिन्न होता है। एक लैंप में पश्चगामी लैगिंग धारा को संधारित्र परिपथ में अग्रामी लीडिंग धारा से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार धारा और आउटपुट प्रकाश दोनों लैंपों में लगभग 120 डिग्री पर हो जाते हैं और कुल पावर फैक्टर इकाई के लगभग होता है। फ्लोरोसेंट लैंप और नियॉन लैंप संकेत लैंपों में अंतर। नियॉन लैंप का संकेत, इसका संरचना, नियॉन लैंप्स में जो इसका संकेत होता है ट्यूब के दोनों सिरों के साथ इलेक्ट्रोड फिट रहते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, दोनों सिरों पर फिलामेंट फिट रहते हैं। नियॉन संकेत लैंप में क्या होता है, जिसको नियॉन साइन लैंप में ट्यूब की अधिकतम लंबाई 1 मीटर, फ्लोरोसेंट में ट्यूब की लंबाई लगभग 1.5 मीटर ये से 5 फीट, और नियॉन साइन लैंप में ट्यूब का व्यास 10 mm से 20 mm, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में होता है व्यास ट्यूब का 20 mm से 40 mm। अब नियॉन साइंस लैंप में ट्यूब उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर से मेल खानी चाहिए, लेकिन फ्लोरोसेंट में क्या है, यह मध्यम वोल्टेज जैसे 250 वोल्टेज पर प्रचालित हो सके, प्रचालित हो सकती है। अब नियॉन साइन लैंप में क्या होता है कि हम इसे किसी भी डिजाइन या आकार में बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, ये केवल सीधी या वृत्ताकार होती है। नियॉन साइन लैंप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड बेलनाकार आकार के होते हैं और नियॉन लोहे या तांबे से बने होते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में होता है इलेक्ट्रोड सर्पलाकार रूप में होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने वाले पदार्थ से लिपटे हुए टंगस्टन से बने होते हैं। अब बात आती है रंग की। नियॉन संकेत लैंप, अब इसमें क्या होता है, नियॉन साइन लैंप में फर्स्ट में विभिन्न प्रकार के गैसों व रसायनकों का उपयोग से आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, ट्यूब की दीवार पर रसायन की परत लगाकर रंग प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है इसका कि नियॉन साइन लैंप का केवल नियॉन या हीलियम और कुछ मात्रा में आर्गन जैसी गैस उपयोग होते हैं नियॉन साइन लैंप में। फ्लोरोसेंट लैंप में ट्यूब में थोड़ी मात्रा में पारा होता है, और अनुप्रयोग की बात करें नियॉन साइन लैंप में फर्स्ट में ये ट्यूब विज्ञापन कार्यों में नियॉन संकेत या अक्षरों के रूप में होता है, लेकिन फ्लोरोसेंट की जब बात करें तो ये ट्यूब घरेलू औद्योगिक प्रकाश के लिए उपयोग होती है। नियॉन साइन की दूसरी बात करें अनुपयोग की, तो ये ट्यूब आवश्यकता के अनुसार तैयार उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन फ्लोरोसेंट की बात करें तो ये तैयार उपलब्ध होती है। अब बात आती है हेलोजन लैंप की। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन लैंप उत्तम प्रकार से विकसित और बहुउद्देशीय उद्दीप्त लैंप होते हैं। यद्यपि ये लैंप उद्दीप्त इनकैंडिसेंट लैंप परिवार से संबंध रखते हैं, ये दूधिया सफ़ेद प्रकाश, लंबी आयु, उच्च दक्षता और स्थिर लुमेन अनुरक्षण के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
इनके छोटे आकार के कारण हैलोजन लैंप बहुत छोटे आकार व स्टाइलिश प्रकार के डिजाइन किए गए पिक्चर में उपयोग हो सकते हैं। हैलोजन लैंप हैलोजन लैंप है, इसका टंगस्टन हैलोजन पुनर्जनक रीजनरेटिव के सिद्धांत पर प्रचालित होते हैं, जो कि फिलामेंट के बाष्पीकरण और बल्ब के काला पड़ने को रोकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक ल्यूमेन और रंगों का तापमान इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक ल्यूमेन और रंगों का तापमान लैम्प की आयु पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। ब्रोमाइन के उपयोग से, जो कि एक पारदर्शक गैस से जो होता है, इसकी दक्षता 28 से 33 ल्यूमेन पर वाट तक बढ़ जाती है, जो है जो कि आयोडीन तुलना में अधिक है। अब ब्रोमाइन के उपयोग से, जो कि एक पारदर्शक गैस होता है, इसकी दक्षता 28 से 33 ल्यूमेन पर वाट बढ़ जाता है जो कि आयोडीन की तुलना में अधिक है, क्योंकि गैस भरी होने से प्रकाश का अवशोषण एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये हेलोजन का पिक्चर दिया गया है, इसको बोलते हैं सबसे कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं आपको आउटर लीड रॉड, इसको बोलते हैं मॉलिबिडेनम फॉयल, इसको बोलते हैं इनर लेड वायर, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलिंग टिप, इसको बोलते हैं स्पोट, बल्ब इनवेलप बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट, और ये होता है सील। टंगस्टन हेलोजन पुनर्जनक चक्र क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टंगस्टन हेलोजन रिजनरेटिव साइकिल प्रोसेस। यदि लैम्प का ऑन किया जाए तो टंगस्टन के कण फिलामेंट से वाष्पित होकर बल्ब की दीवार के साथ चिपक जाता है। उसी समय हैलोजन छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर आण्विक हैलोजन बन जाती है। दूसरा है इसका, आण्विक हैलोजन बल्ब की दीवारों के साथ फैल जाती है और टंगस्टन के स्वतंत्र वाष्पीकृत हैलोजन, जिसको हैलिडिक बन जाती है, बल्ब की दीवार पर उच्च तापमान 500 फैरेड से अधिक के कारण टंगस्टन हेलाइड स्वतंत्र रूप से वाष्पीकृत होकर पुनः फिलामेंट की तरफ आते हैं। चौथा क्या होता है इसका, उच्च तापमान पर टंगस्टन हेलाइड फिलामेंट के चारों तरफ विच्छेदित होकर हैलोजन गैस मुक्त करते हैं। पुनः ये कण आपस में मिलने को तैयार रहते हैं और फिलामेंट पर टंगस्टन पुनः मुक्त होती है, जहाँ ये प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। हैलोजन लैंप का आवरण जो होता है क्वार्ट ग्लास का बना होता है। हैलोजन गैस जो सॉरी लैंप का जो आवरण जो होता है वह स्फटिक कांच क्वार्टज ग्लास का बना होता है, क्योंकि हैलोजन पुनर्जनक चक्र की प्रक्रिया में उच्च तापमान और दाब की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उच्च ताप व दाब को स्फटिक कांच की सहन कर सकता है। उच्च ताप पर लैंप को फटने से रोकने के लिए क्वार्ट ग्लास मजबूती से रक्षा करता है। बेहतरीन फोकस व शुद्ध प्रकाश के लिए छोटे आकार के हैलोजन लैंप प्रकाश पुर्जे लाइट बीम पर बिल्कुल सही कंट्रोल रखते हैं।
बात आती है टंगस्टन हेलोजन लैंप। तो इसमें टंगस्टन हेलोजन लैंप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसी गैसें तत्वों के समूह को हेलोजन नाम दिया गया। उद्दीप्त लैंप से फिलामेंट का जीवन काल टंगस्टन के वाष्पीकरण से प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए हेलोजन गैस की थोड़ी सी मात्रा, जिसे आयोडीन कहते हैं, के साथ आर्गन गैस लैंप में भरी जाती है। वाष्पीकृत टंगस्टन के आयोडीन बहुत स्वतंत्र होते हैं और फिलामेंट की दिशा में आते हैं और टंगस्टन और हेलोजन अलग हो जाते हैं। टंगस्टन इस प्रकार मुक्त होता है कि यह पुनः फिलामेंट पर एकत्रित होकर इसे मजबूत बना देती है। इसे हेलोजन के जुड़ने के परिणाम स्वरूप पूर्ण जनक चक्र बनता है और टंगस्टन का वाष्पीकरण रुक जाता है। इससे टंगस्टन फिलामेंट अधिक तापमान तक गर्म किया जा सकता है, जिससे कि इसकी दक्षता बढ़ती है। इस पूर्ण चक्र को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि लैंप की दीवार का तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंच बना रहे। इसलिए लैंप का आवरण सपटिक का बनाया जाता है। इस कारण उच्च दाब पर गैस भरने से लैंपों को आकार लघु किया जा सकता है। इसका डायग्राम दिया गया है, इसको बोलते हैं फिलिंग टिप, फिलामेंट, सपोर्ट, बल्ब, और इसको बोलते हैं मॉलीबेडेनियम फॉल, बेडनम फॉल। जीएसएल लैंप की तुलना में लैंप की दक्षता 50% अधिक होती है जब वोल्टेज बराबर हो, और इसका जीवन काल भी 2 गुना होता है। इस लैंपों का प्रकाश रंग भी बेहतरीन होता है। 500 वाट से 5 किलो वाट तक की साइज में उपलब्ध है। हेलोजन लैंप की दक्षता उच्च होती है और साइज छोटा होता है, परंतु टीवी फोटोग्राफी और फिल्म कैमरों के उद्देश्य से बनाए गए लैंपों का जीवन काल बहुत काल कम होता है। हेलोजन लैंप का लैंप सेट विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं। हेलोजन लैंप के सेट है 1, 2, 3, 4। CFL का कंस्ट्रक्शन, CFL के बारे में पढ़ें। CFL कंस्ट्रक्शन एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के नाम से भी जाना जाता है। और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब एक ऐसा फ्लोरोसेंट लैंप अविकल्प किया गया है जिसने उद्दीप्त लैंप को बदल दिया है। ये कुछ इस प्रकार के हैं जो उद्दीप्त लैंप के सामान्य फीचरों में फिट हो जाते हैं। लैंप में एक ट्यूब का उपयोग किया गया है जो कि वर्गाकार रूप में मुड़ कर एक उद्दीप्त लैंप में के जितने स्थान फिट हो जाती है, और एक सदृश छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट लैंप के आधार में स्थित होती है। ये आपका CFL है।